नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। रांची से अयोध्या के लिए रवाना हुई दर्शन नगर आस्था ट्रेन, जिसका मुरी स्टेशन में जोरदार स्वागत किया गया। सोमवार को रांची रेलवे स्टेशन से 1300 राम भक्त एवं मुरी स्टेशन से 100 राम भक्त आस्था ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। इसमें भाजपा के विधानसभा मंडल वार्ड व बूथ स्तर के कार्यकर्ता शामिल हैं। यात्रा में माननीय सांसद संजय सेठ भी शामिल हैं। ट्रेन जैसे ही मुरी स्टेशन पहुंची, जय श्री राम के जयकारों से पूरा स्टेशन परिसर गूंज उठा। मुरी स्टेशन में रेल के अधिकारी द्वारा सांसद संजय सेठ को पुष्पगुच्छ देकर भव्य स्वागत किया गया। श्री सेठ ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 500 साल के इंतजार एवं लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम अस्थायी टेंट से दिव्य और भव्य मंदिर में प्रवेश कर गए हैं। आज 31 साल बाद भव्य मंदिर में जाने एवं रामलला का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है, मन में बहुत खुशी हो रही है। इस दौरान सांसद संजय सेठ ने कोच के सभी राम भक्तों से मिले। वहीं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या दर्शन अभियान के रांची जिला ग्रामीण संयोजक विनय महतो धीरज ने कहा कि यह यात्रा रांची वासियों के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। इस मौके पर सिल्ली भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद साहू, शिवलाल प्रमोद प्रसाद मुरी स्टेशन पर मौजूद रहे। राजकीय रेल थाना प्रभारी जमादार मुंडा, शिव प्रसन्न राम, कालीमुल्ला खान, हवलदार सुभाष प्रसाद यादव, पुलिसकर्मी प्रज्ञा तिवारी, चुनाराम मुर्मू, अभिमन्यु रविंद्र मुंडा, आरपीएफ केओसी रूपेश कुमार, डीके मिश्रा, संतोष सिंह, मंटू जायसवाल एवं समस्त पुलिसकर्मी मौजूद थे। सोना न्यूज के लिए सिल्ली से विनोद बैनर्जी की खास रिपोर्ट। सौभाग्य, और ये सौभाग्य देश के, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, और न भूतों न भविष्यति, हम कह सकते हैं कि दूसरा नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे। और उनके प्रयास से जो प्रभु श्री राम, जहां हम सब कहते थे वर्षों से पांच सौ साल से इंतजार था, और हम सब कहते थे राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों शिलान्यास हुआ, लोकार्पण हुआ। प्रभु श्री राम 500 साल इंतजार किए, कोई तपस्वी पुरुष इस दुनिया में आएगा, कोई सच्चा पुरुष आएगा जिसके हाथों मैं अपने मंदिर का शिलान्यास और लोकार्पण कराऊंगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो अथक प्रयास, और आज सौभाग्य हम सब का कि हम सब लगभग 1500 लोग प्रथम दर्शन में अयोध्या जा रहे हैं। हमको याद आज से 31 साल पहले 1 दिसंबर को मैं रांची से रवाना हुआ था कार सेवा, और मेरा ये सौभाग्य रहा कि 6 दिसंबर को उस विवादित ढांचे पे मैं था और हमने अपने हाथों से भी कार सेवा की। और ये सौभाग्य कभी नहीं सोचा था कि जहां हम कार सेवा कर रहे हैं, उस दिन मौत सामने से हम सब ने देखी थी कि भाई सेना उतर रही है, पुलिस गोली चलाएगी, लेकिन परवाह नहीं था कि श्री राम के कार्य काम आ रहे हैं। और आज देखो 31 साल बाद अयोध्या जा रहे हैं, और कल जब प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे तो दुनिया में इससे खुशी से ज्यादा कुछ किसी को नहीं हो सकती कि प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाए। आज हम सब इस आस्था ट्रेन से भैया बहन, बहुत बड़ी मात्रा में आदिवासी भैया बहन जा रहे हैं, और हम सब लगातार जब इस ट्रेन से और भी ट्रेनें जाएंगी लगातार, और प्रभु श्री राम के दर्शन करने। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए सोना न्यूज टीवी।